हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने मेडिसिन का सारा सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लबिंग पे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, बिकॉज फ्रॉम फाइनल एग्जाम एस्पेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ जनरल मेडिसिन, नाम है टर्म्स यूज इन मेडिसिन, जिसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे आज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज, जिसको हम डिजिटल क्लबिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूंगी। इसमें आप नेल्स देख सकते हो, कॉन्वेक्स जो शेप होती है वो नेल्स की है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्लबिंग इज अ बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ टर्मिनल फिलेंजेस। फिलेंजेस यानी फिंगर के टर्मिनल पार्ट के सॉफ्ट टिश्यू की बल्बस इनलार्जमेंट होती है विद बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल कर्विंग ऑफ नेल्स। नेल्स की कॉन्वेक्सिटी होती है लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स प्लेन पे। सेकेंड आपको लिखना है स्कैमरोज साइन, यानी कि हम पेशेंट में चेक कैसे करते हैं। जब भी हम नॉर्मल डिजिट्स को ऐसे मिला के देखते हैं तो उनके बीच डायमंड शेप्ड स्पेस होता है, पर क्लबिंग के केस में कोई भी स्पेस नहीं होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कॉजेज ऑफ क्लबिंग। कॉजेज में हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, GIT एंड लिवर से रिलेटेड एंड फोर्थ इज इडियोपैथिक। हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्या क्या है, दैट इज फर्स्ट इज साइनोटिक हार्ट डिजीज, सेकेंड इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दैट मीन्स हार्ट के जो भी वॉल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन ना करें। उसके बाद लंग डिजीज, लंग डिजीज में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग एब्सेस, ट्यूबरक्यूलोसिस विद सेकेंडरी इन्फेक्शन। GIT एंड लिवर से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्लबिंग का केस मिल सकता है, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर में हिपेटोसाइट्स प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। एंड द लास्ट वन इज मैलिग्नेंसी ऑफ लिवर, दैट मीन्स कार्सिनोमा। फोर्थ इज टोटली इडियोपैथिक। और लास्ट सब हेडिंग आपको क्लबिंग के अंडर लिखनी है, दैट इज ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। सबसे पहले डेफिनेशन थी, उसके बाद स्कैमरोज साइन था, उसके बाद आपको लिखना था कॉजेज ऑफ क्लबिंग, और लास्ट ये पॉइंट लिखना है ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। फोर ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड वन में सॉफ्टिंग ऑफ नेल बेड ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू की हाइपरट्रॉफी होती है, इडिमा होता है। सेकेंड इज ग्रेड टू। ग्रेड टू में ग्रेड वन के साथ साथ ऑब्लिट्रेशन ऑफ एंगल बिटवीन नेल बेस एंड एडजेसेंट स्किन ऑफ फिंगर, इन दोनों के एंगल की ऑब्लिट्रेशन होती है। देन द थर्ड ग्रेड इज कंबाइन विद ग्रेड टू सिम्टम्स, नेल बिकम कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड एज वेल एज फ्रॉम साइड टू साइड। अबव डाउनवर्ड देखेंगे या फिर साइड टू साइड देखेंगे तो कॉन्वेक्सिटी हमको दिखती है नेल्स की, जिसे हम प्रॉपर टर्म देते हैं, दैट इज पैरोट्स बीक या फिर ड्रमस्टिक शेप। ग्रेड फोर में फिंगर चेंजेस आर एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। ये तीन डिजीज का ट्रायड होता है बेसिकली, जिसमें सबसे पहला होता है पेरियोस्टाइटिस, उसके बाद डिजिटल क्लबिंग, और थर्ड होता है जो भी हमारे लार्ज जॉइंट्स होते हैं उनमें पेनफुल आर्थ्रोपैथी होती है। तो दीज आर द फोर ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। आज की वीडियो में मैंने आपको क्लबिंग की डेफिनेशन, उसके साइंस पेशेंट्स में हम कैसे देखते हैं, उसके बाद कॉजेस और लास्ट में ग्रेडिंग बताई। तो ये चारों पॉइंट्स आपको प्रॉपर लिख के आने हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी।